अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो ओप्पो F21 Pro की जेस्चर नेविगेशन और बैक बटन की सेटिंग्स के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो F21 Pro में नेविगेशन बार बटन और जेस्चर नेविगेशन की सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ से आप फ़ोन सेटिंग्स को ओपन कर लें। अब पेज नीचे की जानिब स्क्रॉल करें और यहाँ से इस सिस्टम सेटिंग्स वाली ऑप्शन को ओपन कर लें और अब यहाँ से सिस्टम नेविगेशन वाली सेटिंग्स में आ जाएँ। यहाँ आप देख सकते हैं 3 बटन नेविगेशन पर सेटिंग्स सेट हैं। यहाँ नीचे बटन लेआउट सेक्शन से आप नेविगेशन बार को राइट या लेफ्ट स्टाइल बैक बटन में से किसी एक ऑप्शन पर सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से अगर जेस्चर नेविगेशन का इंतखाब करेंगे तो यहाँ आपसे पॉपअप विंडो में नेविगेशन जेस्चर्स के इस्तेमाल को सीखने का कहा गया है। यहाँ लर्न वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह वीडियो ट्यूटोरियल में नेविगेशन जेस्चर्स इस्तेमाल करने का सिखाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नेविगेशन बार बटन गायब हो जाएंगे और जेस्चर नेविगेशन ट्यूटोरियल के मुताबिक राइट और लेफ्ट स्वाइप कुछ इस तरह वर्क करेगा। फ्रेंड्स, ओप्पो F21 Pro में फुल स्क्रीन यूज़ करने के लिए यहाँ जेस्चर गाइड बार को इस टुगल को ऑन करके हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।